भारतीय रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है और इसको लेकर के 200 ट्रेनों की सूची भी बनाई गई है जो कि हम अपने चैनल में लेटेस्ट वीडियो अपडेट के जरिए उस ट्रेन की समय सारणी और अन्य डिटेल देते आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि इस ट्रेन में सफ़र करने से पहले कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा और इस ट्रेन में सफ़र करने से पहले कौन से निर्देश का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी को लेकर के आज का हमारा यह स्पेशल वीडियो अपडेट है जिसमें हम बात करेंगे आखिर क्या है रेलवे की दिशा निर्देश और अन्य खबरें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेहद जरूरी है आपके लिए जानना कि 1 जून से जो ट्रेन शुरू होगी उसमें कौन से दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। 1 जून 2020 से शुरू होगा 200 पैसेंजर ट्रेन का संचालन और 21 मई से शुरू हो गई है टिकट बुकिंग। अगर आपने अभी तक टिकट बुकिंग नहीं कराया है तो कम से कम आप अब भी टिकट बुक करा लें और टिकट बुक कराने के बाद कम से कम 7 दिनों के बाद ही आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बाहर फंसे मजदूर यात्री और अन्य लोगों की संख्या ज्यादा है, इस कारण टिकट जल्दी से बुक हो जाता है और सीटें खाली नहीं बचती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अगले 30 दिनों के लिए एडवांस बुकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया है जो कि आप लोग जिसका जल्द से जल्द फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अन्य नियम में 21 मई से शुरू किया गया है टिकट बुकिंग और ट्रेन में कोई अनरिजर्व कोच नहीं होगा, यानी कि आपको जनरल की सुविधाएं इसमें नहीं मिलेगी और अगर आप जनरल में सफर करना चाहते हैं तो जनरल की भी आपको बुकिंग करानी पड़ेगी जो कि आप सभी ट्रेनों के स्लीपर या एसी जैसे बुकिंग कराते हैं उसी तरह से आपको जनरल की भी बुकिंग करानी पड़ेगी और जनरल का थोड़ा किराया कम रहने वाला है स्लीपर के मुकाबले, लेकिन बेहतर होगा कि स्लीपर ही कराएं क्योंकि जनरल का उतना रेलवे ध्यान नहीं देने वाली। और इसके अलावा हम बात करें जनरल कोच में सुविधाएं के बारे में तो यहाँ पर आपको जनरल कोच में उतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी जितना बेहतर स्लीपर में दी जाएगी। इसके अलावा ट्रेन में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा और जिनमें दिखेगा कोरोना के लक्षण उनके लिए ये निर्देश रेलवे ने दिया है। अगर स्क्रीनिंग के दौरान यात्री का तापमान ज्यादा मिलता है या उसे कोविड-19 के अन्य लक्षण दिखते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद भी उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसका टिकट रिफंड कर दिया जाएगा और मिली जानकारी के अनुसार रोग सूचक यात्रियों के लिए प्रवेश चेकिंग स्क्रीनिंग वाले स्थानों पर टीटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रिफंड के लिए यात्री की तारीख से 10 दिन के भीतर ऑनलाइन TDR भरना होगा और ओरिजिनल TTE प्रमाण पत्र IRCTC को भेजना पड़ेगा। पूरा किराया यात्री के खाते में ही रिफंड किया जाएगा। इस तरह के तमाम नियमों का पालन करते हुए आप सुखद 1 जून से 200 ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं और इन ट्रेनों से आप सफर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में इस तरह के और महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट हम लाएंगे और उसको पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।